केंद्र सरकार के जीएसटी विभाग के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने महाराष्ट्र में माल और सेवा कर चोरी का एक बड़ा घोटाला उजागर किया। यह पता चला है कि गैर मौजूद कंपनियों को फर्जी बिक्री भुगतान प्रस्तुत करके सरकारी खजाने को 135 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशालय डीजीजीआई की नागपुर जोनल यूनिट ने जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले को उजागर किया है। उल्लेखनीय है कि भंडारा से लेकर नंदुरबार तक पूरे महाराष्ट्र में फर्जी भुगतान के आधार पर काम करने वाले रैकेट सक्रिय है। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के माध्यम से पूरे देश के लिए एक समान कर संरचना है। इसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष कर संरचना को सरल बनाना और कर चोरी को पकड़ना था। केंद्र सरकार के जीएसटी विभाग के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने महाराष्ट्र में माल और सेवा कर चोरी का एक बड़ा घोटाला उजागर किया है। इस घोटाले का उद्देश्य गैर मौजूद कंपनियों के धोखाधड़ी वाले लेन देन का दस्तावेजीकरण करना, उनके बीच चक्रीय लेन देन दिखाना और उनके आधार पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना है। विशेषज्ञों के अनुसार जीएसटी अधिनियम के तहत जब एक कमोडिटी एक कंपनी से दूसरी कंपनी को बेची जा रही होती है तो बेचने वाली कंपनी कंपनी के सामान बिक्री बिल पर जीएसटी लगाकर अपने स्वयं के जीएसटी पर छूट पा सकती है। महाराष्ट्र में इस घोटाले में फर्जी कंपनियों उनके नकली बिक्री भुगतानों का उपयोग एक ही इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए किया गया था। डीजीजीआई अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 22 कंपनियों ने यह घोटाला किया है। ये 22 कंपनियां भंडारा, नागपुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले और नंदुरबार से है। इतना ही नहीं, लेकिन इन सभी 22 कंपनियों ने दस्तावेजों के अस्तित्व को दिखाने के लिए नकली पते, नकली बिजली बिल का इस्तेमाल किया। इसके लिए घोटालेबाजों ने जानबूझकर भंडारा से नंदुरबार तक के ग्रामीण इलाकों को चुना। विशेषज्ञों के अनुसार जो लोग इस तरह के झूठे लेन देन दिखाकर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का लाभ उठाते हैं, वे एक राज्य तक सीमित नहीं होते हैं, वे अंतरराज्य लेन देन करते हैं। भले ही नागपुर की डीजीजीआई इकाई ने महाराष्ट्र की केवल 22 कंपनियों द्वारा 135 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया है, लेकिन यह सिर्फ हीम शैल का टिप है। इसके वास्तविक दायरे का पता लगाने के लिए प्रत्येक राज्य में जीएसटी इकाइयों को एक दूसरे के सहयोग से काम करने की जरूरत है, वो भी अपने अपने क्षेत्राधीर को अलग करके। अगर ऐसा होता है तो कर चोरी घोटाला बहुत बड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र में 22 कंपनियों ने सरकार पर 135 करोड़ रुपए लगाए हैं। उन सभी यार्न का घोटाला किया गया है, इसलिए जीएसटी अधिकारियों के अन्य व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने पर घोटाले का दायरा और भी बड़ा होने की संभावना है।